हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं अपडेट जो कि है बिहार से संबंधित। बिहार में जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उस पर मैंने पहले भी आपको वीडियो दिया था, तो उसमें एक अपडेट आया है जिसे कि हम अभी जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है अपडेट। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो ये वैकेंसी आई थी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से और ये 31 तारीख को आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार पब्लिश्ड ऑन द वेब पोर्टल ऑफ द कमीशन 21, यानी 21 तारीख को ये निकाला गया था 9/2020 को, एंड इन डिफरेंट हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर और एजुकेशनल पब्लिश्ड ऑन 23/9/2020। द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑन कमीशन वेब पोर्टल ये दे रहा है 2/11 तक हमें सबमिट करना था। तो ऑनलाइन सबमिशन की जो डेट दी गई थी वो 2/11 यानी नवंबर तक दी गई थी, विच इज़ एक्सटेंड जो कि बढ़ा दी गई है 2/12 कर दी गई है। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन सबमिशन की जो डेट है जो कि 2 नवंबर को समाप्त हो रही थी, जिसे कि बढ़ा दिया गया है 2/12/2020 5 बजे तक आप इसे फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसके बाद यहाँ दिया हुआ है डाउनलोड हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विथ फोटो कॉपीज़, यानी आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है उसे आपको बाय पोस्ट भी भेजना है, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने की जो डेट है वो 24/12 यानी 24 दिसंबर तक 5 बजे तक आपको भेजना है। तो दोनों ही डेट एक्सटेंड की गई है आपके ऑनलाइन सबमिशन की और बाय पोस्ट जो भेजने की थी वो भी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो बहुत से लोगों का प्रश्न आ रहा था कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, और पिछले वीडियो में मैंने कई वैकेंसीज़ की आपको जानकारी दी थी, तो अभी मैंने सेपरेट अलग केवल बिहार की आपको इसके माध्यम से जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या थी वैकेंसी, कितनी पोस्ट है, क्या योग्यता है। तो ये वैकेंसी है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से निकला हुआ है, और जो पिछला जो था डेट वो 2/11/2020 तक हमें सबमिट करना था, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। और बहुत से विषयों में आप अगर चाहें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बहुत से विषय इसमें हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं केवल विषय बताऊंगी, कैटेगरी वगैरह आप खुद से इसे ऑनलाइन खोलकर, मैं साइट बता देती हूँ, ये रहा आपका साइट bsusebihar.government.in पर। और कौन से विषय हैं, विषय आप यहाँ से देख सकते हैं, अरबी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी, मैथिली, संस्कृत, हिंदी, इतिहास, प्राचीन इतिहास, गृह विज्ञान। तो इस तरह की बहुत सारी वैकेंसी इसमें निकली हुई है। ज़्यादा बेटर होगा कि आप खुद से इस साइट पर जाके अपना सब्जेक्ट देख लें। थोड़े बहुत मैं बता देती हूँ, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, ग्रामीण अर्थशास्त्र, भौतिकी, फिर यहाँ पे दिया है रसायन शास्त्र, वनस्पति, गणित, और यहाँ पे आपको कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दिख रही है, वो अलग अलग सीटें भी बताई गई हैं। तो इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपको जो मेन इसमें मुख्य बातें हैं केवल मैं वही बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे गणित हो गया, जीव विज्ञान हो गया, संगीत, बंगला, पर्यावरण विज्ञान, साहित्य, ज्योतिषी, ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं। चलिए सब्जेक्ट छोड़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। अगर आप सब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं।
जो इसमें मुख्य बात आपके कमेंट से आई थी उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि इसमें क्या आपको एलिजिबल यानी योग्यता आपको क्या होनी चाहिए। तो यहाँ तक विषय दिए गए हैं, विषय के बाद यहाँ से आपको विश्वविद्यालय भी, विश्वविद्यालय के नाम भी दिए गए हैं कि आप किसे प्रिफर करेंगे। फॉर्म फिलिंग में आपको प्रिफ्रेंस देना पड़ेगा कि आप कहाँ आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसकी लिस्ट देख सकते हैं। ये पूरी लंबी लिस्ट है, मैं रीड नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। मैं स्क्रॉल करके केवल आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी की बात है, तो आपको जिस भी विषय में डालना है उसमें आपको एमए होना चाहिए, एमए के साथ नेट अथवा पीएचडी, लेकिन 2009 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए। और इसमें अंकों का निर्धारण इसमें दिया गया है कि किस तरह से आपको अंक दिए जाएंगे। 100 नंबर आपको एजुकेशनल के लिए दिया जा रहा है और 15 नंबर इंटरव्यू के लिए रखे गए हैं। तो ध्यान से अपने जो भी आपकी एलिजिबिलिटी योग्यता है उसको फिल करें और हार्ड कॉपी में ज़रूर उसे भेज दें। चलिए, तो ये विश्वविद्यालय की लिस्ट बहुत लंबी दी गई है, इस पर ना जाते हुए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे योग्यता की बात की गई है, इसमें कहा गया है कि किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से आपको एमए में 55% मार्क होने चाहिए। और इसके अलावा अगर ग्रेडिंग प्रणाली है तो वो भी यहाँ पे लागू है। आप ग्रेड, अगर आपको ग्रेड मिला है तो वो भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। इसके अलावा एमए के साथ आपको पीएचडी होनी चाहिए, लेकिन पीएचडी आपका अगर 2009 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, यहाँ दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अथवा 2016 के, तो आप को नेट की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपको नेट भी होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह की, किस रेगुलेशन में आपकी पीएचडी होनी चाहिए, तो आपको नेट से छूट दी जाएगी, अन्यथा आपको नेट होना ज़रूरी है। तो ये 5 दिए गए हैं। अभ्यर्थी की पीएचडी की उपाधि नियमित यानी कि रेगुलर मोड में होनी चाहिए। फिर पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम 2 बाह्य परीक्षक द्वारा किया गया हो, और पीएचडी के लिए अभ्यर्थी को एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो। अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य में कार्य से 2 अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो, जिससे जिनमें से कम एक संदर्भ जनरल में प्रकाशित हुआ हो। फिर अभ्यर्थी ने विश्व द्वारा किसी अन्य एजेंसी द्वारा वित्त पोषीय सहायता प्राप्त सम्मेलन, विचार गोष्ठी यानी कॉन्फ्रेंस हो गया, या सेमिनार में आपने भाग लिया हो। तो इसकी बात होगी, ये अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको इससे छूट दी जाती है नेट से। यहाँ दिया हुआ है इसकी डिटेलिंग, आप साइट खोल के इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो आपको एमए प्लस पीएचडी अगर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आप सिंपल पीएचडी हैं तो आपको नेट निकालना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं एक और जो महत्वपूर्ण कंडीशन यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार सरकार द्वारा दी गई है। बिहार सरकार द्वारा आयोजित बीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही केवल सहायक प्राध्यापक पद के लिए नेट से छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर भी नेट से छूट दी जाएगी जो बीईटी है, और अन्य राज्यों के, जैसे अगर आपने अन्य राज्य से स्लैट और सैट उत्तीर्ण किया है तो नेट से छूट एवं स्लैट सैट के अंक का लाभ नहीं मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, यहाँ पर दिया है शैक्षणिक योग्यता के लिए, तो 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। किस तरह से इसमें सिलेक्शन होना है उसकी बात यहाँ पे किया गया है, चयन प्रक्रिया क्या है। तो शैक्षणिक योग्यता के लिए 100 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। अंतिम मेधा सूची शैक्षिक योग्यता कुल अंक 100 एवं साक्षात्कार के लिए 15 हैं, तो 115 अंक
इसके लिए निर्धारित किए गए हैं और किस तरह से आपको ये अंक मिलेंगे यहाँ पे ये भी डिटेलिंग दी गई है। तो अगर स्नातक में आपके 80% एवं उससे ऊपर है तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, और अगर 60 एवं उससे ज़्यादा तथा 80 से कम है तो 13 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। फिर 55% एवं उससे ज़्यादा और 60 से कम तो 10 अंक, और 45% से ज़्यादा है और 55% से कम तो आपको 5 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद स्नातकोत्तर मतलब MA 80% एवं उससे ऊपर हैं तो 25, 60% एवं उससे ज़्यादा हैं तथा 80% से कम है तो 23 नंबर, और 55% एवं उससे ज़्यादा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तो यहाँ पे दिया है 50% दिया जाएगा, 50 तो 20 नंबर इसके लिए निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे जाति का भी आरक्षण मिलेगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं पीएचडी के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। फिर अगर आप जेआरएफ के साथ नेट है तो 7 नंबर, नेट के लिए आपको 5 अंक दिए जा रहे हैं, और स्लैट अगर बिहार से हैं तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे। फिर शोध प्रकाशन समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको 10 अंक दिए जा सकते हैं, इसके ऊपर आपको अंक नहीं मिलेंगे। फिर शिक्षण पोस्टल डॉक्टरेट का अनुभव, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको 1 वर्ष के लिए 2 अंक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का अनुभव यहाँ पे काउंट होगा। इसके बाद आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत सरकार द्वारा मान्य प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों द्वारा पुरस्कार दिए जाने की स्थिति में आपको 3 अंक दिए जाएंगे, और राज्य स्तर तथा राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार दिए जाने की स्थिति में 2 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे दिया हुआ है पीएचडी के लिए 30, जेआरएफ नेट के लिए 7 और पुरस्कार कोटि में 3 अंक। एकेडमिक स्कोर में आपका सभी आ जाएगा, बीए एमए पीएचडी वगैरह सभी आ जाएगा। फिर शोध प्रकाशन 10 और शिक्षण अनुभव 10, तो इस तरह से कुल मिला के 100 अंक शैक्षणिक आधार पर आपको दिया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं आरक्षण की बात कर लेते हैं। यहाँ जो भी आरक्षण दिए जा रहे हैं, अगर आप बिहार के स्थायी निवासी बिहार के मूल आदिवासी हैं बिहार राज्य के, तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, और किस किस कैटेगरी में आरक्षण है वो भी हम जान लेते हैं। तो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है। तो और जो विकलांग वर्ग है उसके लिए 40%, दिव्यांगत के लिए और महिला आरक्षण इसमें 35% का आरक्षण रखा गया है। अभी शुल्क की बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन जब हम भरते हैं तो उसमें क्या शुल्क निर्धारित किया गया है, तो आरक्षित श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपये निर्धारित किए गए हैं, और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति के लिए 75 रुपया रखा गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी बिहार के हैं उन्हीं के लिए, केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित महिला, अगर महिला वर्ग है जो कि बिहार से है तो उनके लिए भी 75, और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 40% या उससे अधिक यानी 75 रुपये निर्धारित किए गए हैं। शेष उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये ही निर्धारित हैं। तो बाहर के जो स्टेट के लोग अगर भरना चाहते हैं तो उनके लिए 300 रुपये ही निर्धारित किया गया है शुल्क के लिए, और शुल्क आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। फिर यहाँ हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण एक निर्देश दिया हुआ है, इस पर दिया है अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए अपने ऑनलाइन पत्र के डैशबोर्ड में डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीली रोशनी स्याही वाले
बॉल पेन से हिंदी एवं अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर अंकित करें, मतलब सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसके बाद जिस प्रकार का हस्ताक्षर उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पर किया है उसके उपरांत अभ्यर्थी अपने डाउनलोड आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ भी सभी वांछित प्रमाण पत्र और कागज उपाधि स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर के निर्धारित यानी रजिस्टर्ड डाक से इसे भेजना है। यहाँ पे एड्रेस भी आपको दिख रहा होगा कहाँ पर भेजना है। और अभ्यर्थी के जो लिफाफा रहेगा उसके ऊपर आवेदित पद जरूर अंकित करें, यहाँ पे जो दिया गया है आवेदित पद, फिर किस विषय में कर रहे हैं, यूनिक आईडी, आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको एक यूनिक आईडी भी मिलेगा जिसको कि आपको आवेदन जो लिफाफा है उसके ऊपर आपको लिखना है, फिर विज्ञापन संख्या ऐड करनी है। तो इस तरह से इन सभी को ध्यान से ज़रूर भरें और सभी वांछित जो भी आपके शैक्षिक योग्यता से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करके बाय पोस्ट भेजें। यहाँ एक लिस्ट भी दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें फॉर्म के साथ हार्ड कॉपी में भेजना है। तो हाई स्कूल का हो गया, फिर आरक्षण से संबंधित जिस में भी आप आरक्षण लेना चाहते हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भेजें, फिर जाति प्रमाण पत्र और सामान्य वर्ग में अगर आप आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है तो वो भेजें। तो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसे आप खुद से पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगी जो पहले की डेट थी वो 23/9 से स्टार्ट हुई थी जो कि अभी बदल चुकी है, 2/11/2020 तक थी, इसे चेंज कर दिया है, ये दिसंबर तक अपडेट हो गई है, 2 दिसंबर तक कर दी गई है नवंबर की जगह। और स्पीड पोस्ट भेजने की भी डेट चेंज की गई है, 24/12/2020 हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कमेंट आया था, कुछ दिन से मैं ट्रैवल कर रही थी जिसकी वजह से मैं आपको उत्तर नहीं दे पाई। जियो यूज़र है और आपने बिहार की वैकेंसी के बारे में क्वेश्चन किया था तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको सलूशन दे दिया है। उम्मीद है आपको इसकी जानकारी मिल गई होगी अच्छे से, और ज़्यादा अच्छे से अगर आपको समझना है तो मैंने साइट आपको दिखाया हुआ है वीडियो में, वहाँ जाकर आप अपने आप भी उसे रीड कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।